गाने का मतलब है 10 देके किस लो, 20 देके मिस लो, 500,000 देके हो में सीख लो। ऑर्केस्ट्रा में कौन को कितना बढ़िया लग रहा है गाना? अरे बढ़िया लगे चाहे ना, मजा आ रहा है काफी है। आपको मजा आ रहा है? लोग भी तो मजा, आपको मजा आ रहा है? बिल्कुल, लोग तो मजा के लिए सुनते हैं। एक बात बताइए ना, कहाँ किस इज्जत की आप बात करें? हमारे भोजपुरी में इज्जत भी है क्या? इज्जत नाम की कोई चीज भी? पहले से पता है, जब हम गा रहे थे तबो हमको पता था कि गाना अश्लील है। चलिए बहुत अच्छा, आप मान गई कि ये गाना अश्लील है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। बिल्कुल, अरे गाए हैं तो शर्म कैसा, सिंपल सी बात है। हाँ ठीक है, हाँ गा। लोगों को कहा है, इन लोगों को पता है क्या चाहिए? मस्त एक बोतल चढ़ा लिए, ठीक है, और उसके बाद रे बजाओ रे, बज गया, रात भर माजा ले लिया, आराम से दो दिन जाके सो गए। इन लोगों को वैसा गाना चाहिए। इसमें अगर डुएट गाना है ना, आप फीमेल कलाकारों का गलती नहीं दे सकती हैं। पता है क्यों नहीं दे सकती हैं? मेल कलाकार फीलिंग नहीं आ रहा है तो ये ना, अरे साला कहाँ से फीलिंग लिया है जब तुम वैसा गाना ही उठा के लाए हो। तो आज तक शादी ब्याह में कौन सुने है क्या कि भक्ति जागरण ऑर्केस्ट्रा में बज रहा है और लोग उस पर नाच रहे हैं? चाहे घर की औरतें वही बजाती हैं कि जब हमें आई सुहाग वाली रात रे, पहले चुम्मा से किया शुरुआत रे, पवन सिंह ने भी गाया था तुहार गोहिर ढोनी में बियर डार दे का, रितेश पांडे की किन्होंने गाया था, गीत जी का था करुआ तेल, खुशबू उत्तम जी का था तुहार ढोनी के, तुहार क्या क्या था उनका, समियाना के चुप था ढोनी में गोप, वो अश्लील आपको नहीं दिखा था मैडम जी? आज बहुत ढील दो ढोनी जानी छील दो। अभी हमारे साथ भोजपुरी की बहुत ही अच्छी सिंगर और बहुत ही चर्चित में रहने वाली सिंगर, कुछ इस समय भी ये चर्चा में चल रही हैं और एक समय भी इनका गाना आया था कि ये चर्चे में आ गई थी, बहुत सुर्खियां इन्होंने बटोरी थी, तान्या झा हमारे साथ हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत, कैसी हैं आप? सबको नमस्ते प्रणाम, कॉफी विद मी से जितना आदमी देखेंगे सबको नमस्ते प्रणाम है। हम बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं? जी हम बहुत बढ़िया हैं। हम शुरुआत करते हैं आपका वो गाना जो काफी ज्यादा हिट हुआ था, चर्चे में आ गई थी आप, तान्या झा, लोग जानने लगे थे कि सिंगर हैं, वो गाना शुरू किया जाए थोड़ा सा। और खीरा तो दिन सुने लो तो भोजपुरी गाना, कवन हीरो के बॉबी बाड़ू तो दीवाना, कवन तो हर प्यार हो, कवन तोर सिंगार हो, दिलावा के भीतर कवन बसल तुहार हो। तो इसमें मेरा लाइन था, सोन पवन सिंह यार हो, खेसरी अवतार हो। इस गाने से आप चर्चित में थी, जरा हम इस लाइन पे बात कर लेंगे। आपसे बिना परमिशन के इंटरव्यू नहीं हो रहा है ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, बाद में वो लोग बहुत कुछ कांड कर देते हैं, कह देंगे कि मैं ही इंटरव्यू ली थी तो आप चले गए सदमे में। ठीक है, तो पूछना जरूरी है। बिल्कुल। तो अभी खास करके ज्यादा तो ये बताइए, पवन सिंह यार है खेसरिया भतार, कितना अच्छा आपको ये लाइन लग रहा है खुद में? कितना अच्छा लग रहा है? एक बात बताइए, अच्छा नहीं लग रहा? किसी को ये पता था कि मैं गाऊंगी तो हिट हो जाएगा? आप अपना चॉइस बताइए, आपको कितना अच्छा लग रहा है पवन सिंह यार है खेसरिया भतार? आपसे पवन सिंह और खेसारी जी कितने बड़े होंगे उम्र, शायद उनके आपके बराबर उनकी बेटी भी है, आज हमारे साथ फीमेल भी है, आप लोग कहेंगे कि भाई देखिए यहाँ भी वही शुरू, मैंने अश्लीलता की कोई बात नहीं की है, मैंने इस गाने पे रिस्पेक्ट की बात की है। पवन सिंह यार है और खेसरिया भतार, खेसरिया खेसारी जी को इतना डिसरिस्पेक्ट क्यों? देखिए क्योंकि इस गाने को जिसने लिखा है, अगर आपको इसका जवाब जानना है ना तो इस गाने के जो राइम, मेरी बात सुनिए, जब कोई नॉर्मल कलाकार किसी भी स्टूडियो में गाने के लिए जाता है ना, उसे डायरेक्ट बढ़िया मैटर नहीं दिया जाता कभी भी गाने के लिए, ठीक है, उसे वही घटिया वही असली चीज, क्योंकि यार आजकल के दुनिया में यही सुनना लोग पसंद करते हैं, चाहे वो मतलब ऑर्केस्ट्रा हो या फिर अदरवाइज कुछ भी हो। एक बात बताइए ना, शादी ब्याह में कौन मारे रामायण महाभारत बजा के लोग नाच लेते हैं? वो लोग तो भी यही बजाना सुनना पसंद करते हैं। और अगर अगर ये गाना अगर आप नहीं गाइएगा तो कहाँ से खोज के ला देंगे? अरे अगर वो व्यूवर्स ही नहीं देंगे तो हम दोबारा गाएंगे? एक बार हम गाए, ठीक है, मान लेते एक बार मैंने गाया, तो अगर वो उस गाने को नहीं सुनेंगे तो दोबारा मेरी हिम्मत है ना? ही मेरे पास उतना समय है, ना ही कंपनी वाले के पास उतना टाइम है, वो फालतू में मेरा गाना चढ़ाएंगे जी? मनोरंजन के लिए एंटरटेनमेंट के लिए गाता है ना, आप ही बताइएगा। ज्यादातर लोग ना ही सभ्य समाज के लोग ना ही भोजपुरी को सुनना पसंद करते हैं, और मतलब भोजपुरी को मतलब कहने का मतलब आप एक सभ्य समाज से सभ्य परिवार से नहीं आते? बिल्कुल है, हम लोग कलाकार हैं, समाज से पहले हम लोग एक कलाकार हैं, और कलाकार का ना कोई जाति हो, कलाकार से पहले आप एक लड़की नहीं है? हैं, लेकिन जब हम इस लाइन में आए थे ना तो मुझे लोगों ने इतना मतलब, जब आप इस लाइन में आई थी तो जो लाज शर्म एक लड़की की होती है ना वो पारा पूरा आपने बांध के घर में रख दिया था, वो मैंने उधर रख के आए थे इस लाइन में, क्योंकि अरे एक बात बताइए ना, कहाँ किस इज्जत की आप बात करें? हमारे भोजपुरी में इज्जत भी है क्या? इज्जत नाम की कोई चीज भी है क्या? यहाँ तो चलिए बॉलीवुड में देखिए बिकनी पे शूटिंग हो रहा है, यहाँ तो ओकरा से लाख गुना बढ़िया है,
है या नहीं करना है यहाँ भी भोजपुरी में? नहीं करना है तो आप भोजपुरी दूसरों से क्यों कंपेयर करती हैं? क्यों कंपेयर कर नहीं दे रहे भाई? क्यों कंपेयर करेंगे? बिल्कुल दे रहे, क्यों करेंगे? अच्छा एक बात बताइए, आग हमारे घर में लगा है तो हम दूसरे के घर में पानी मारेंगे? नहीं मारेंगे, ये चीज पहले अपने घर का आग बुझाएंगे ना, तो फिर हम दूसरे के घर में क्यों झांकने जाए? दूसरे के घर में क्या हो रहा है? तो हम भी बता रहे हैं ना, सुनिए, अगर आपको लग रहा है कि ये चीज गलत है, ठीक है, पोस्टर और थंबनेल तो दिख रहा होगा जी कि गलत है, माता रानी का जागरण तो लगा के वो लोग लगाया नहीं होगा। सबसे पहले बात सुनिए, जो लोग बोलते हैं कि लोग देखते क्यों है, अगर इस गाने पे मैं बात कर रही हूँ, जो भी मेरे 400-500 व्यूअर्स होंगे, कितने भी व्यूअर्स हो, 1000 हो 10000 हो, वो लोग जरूर एक बार जाएंगे कि भाई देखे इस लड़की का गाना कौन सा है, हम भी सुने। वो देखने के लिए जाते हैं कि कैसा गाया इसने, क्या ऐसा गाने में है। उसके पहले भी तो मैंने बढ़िया गाना गाया था ना, उसके पहले यही गाना था, यही गाना था आपका 20 दे के मिस लो? नहीं, ये उसके पहले बहुत बढ़िया बढ़िया गाना था जो कि किसी ने सुना। इस गाने का अर्थ जरा बताइएगा क्या? 20 दे के मिस लो जरा बताइए, हम भी जानना चाहते हैं। क्यों हंसी आप? क्यों हंसना है? ऑर्केस्ट्रा मैटर है यार, क्यों हंसी आप? हंसी क्यों आप? मैटर है, हंसी क्यों आई आप? गाने का मतलब है 10 दे के किस लो, 20 दे के मिस लो, 500-1000 दे के हो मैं चीख लो। ऑर्केस्ट्रा में कौन सा ये? इस चीज से हमारी कमाई चलती है, जिस चीज से आप कमाई खाते हैं उस चीज से शर्माने का तो कोई तुक ही नहीं बनता, ना कोई रीजन बनता। गाने का पूरा लाइन जरा बताइएगा। वो मुझे खुद याद नहीं है। आपको याद है? मुझे खुद आपको याद है? अरे नाच देखे आयल बड़ो बबुआ बारात में, न मोरी निकालो अब नाचो हमरा साथ में, एकरा से ज्यादा कुछ मिले नहीं हाथ में, काहे अझुरैल अनाउंसर के बात में, अरे 10 देके किस लो, 20 देके मिस लो, अब 500-1000 देके हो में से चीख लो। ऑर्केस्ट्रा मैटर है मैडम, आप गलत नहीं बोल सकती हैं। अगर गलत होता तो ऐसे ही 10 मिलियन 5 मिलियन जितना भी चला है नहीं चलता। अगर ये भक्ति जागरण होता है तो नहीं चलता। कितना भक्ति आप, मेरे पास खुद नहीं आती। आपको कितना बढ़िया लग रहा है गाना? अरे बढ़िया लगे चाहे ना, मजा आ रहा है काफी है। आपको मजा आ रहा है? लोग भी तो मजा, आपको मजा आ रहा है? बिल्कुल, लोग तो मजा के लिए सुनते हैं ना। आपको अगर शौक है कि आप मीडिया लाइन में आए, तो मेरा भी तो शौक है ना कि मतलब हम एक कलाकार बने, तो हमारा शौक था हम इस लाइन में आए। देखिए ऐसा बात नहीं है कि आप अश्लील गाने गाकर ही, अश्लीलता की बात मैं वर्ड बोलना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि इस वर्ड पे काफी इतना ज्यादा ट्रोल किया गया कि अब बोलने का इच्छा नहीं होता है। मैडम मेरे को बात बताइए ना, अश्लीलता कहाँ नहीं है? अगर हम 5 सब्जी बनाए हैं उसमें से अगर 2 खराब है तो आप 2 को मत खाइए जी, 3 को खाइए। आप भी तो वही सुन रहे हैं, तभी तो व्यूवर्स जा रहा है। हम आम पब्लिकों से चाहे किसी से पूछना चाहेंगे कि अगर आप लोग अश्लील नहीं सुन रहे तो मिलियन व्यू भगवान तो आशीर्वाद नहीं दे रहे होंगे। जब तक आप सुन रहे ना, थंबनेल तो माता देवी जागरण का लगा नहीं होगा, टाइटल जब दिख रहा है साला गंदा है, पोस्टर दिख रहा है गंदा है, फिर क्लिक क्यों कर रहे हैं? विवाद के अलावा मैंने आज तक कुछ नहीं देखा इस 1.5 साल में। अरे कह दीजिए ना यार कि कभी हमारी भोजपुरी किसी न किसी चीज को लेकर सुर्खियों में ना रही हो। आज तो वो गा दिया, आज वो गा दिया, जो अरे भाई गाने वाला गाइए दिया, हिट होना का हो ये गया। अब का सांप अगर बिल में चल गया तो धसना डंगा के का फायदा मुझे? अब क्या कर लेंगी आप? हम गा लिए, मैटर हिट हो गया, गाना उतर गया, जिसका जो जो होना था बज गया, जितना 16 मिलियन 10 मिलियन जाना था चला गया। अब आप क्या कर लेंगी? और भी सिंगर हैं भोजपुरी में, स्नेहा उपाध्याय हैं, और भी सिंगर हैं, गायत्री यादव हैं, ऐसी बहुत सारी गायिकाएं हैं जिनका मुझे नाम भी नहीं मालूम, जिन्होंने कभी अश्लील गाया ही नहीं। तो क्या ये गायिकाएं? ऐसा हो नहीं सकता, नहीं गाया, नहीं गाया, ऐसा हो नहीं सकता, नहीं गाया। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, हमारे भोजपुरी के कुछ महान होंगे ना जिन्होंने भोजपुरी से स्टार्ट किया। और आपको बता दें वो कभी, वो दोनों सिंगर स्टार के साथ अभी तक नहीं आई है। स्नेहा उपाध्याय का सिर्फ एक हेलो कौन आया था रितेश पांडे के साथ, उसके बाद उनका अपना गाना चलता है कवर सॉन्ग। एक बात बताइए हमको, इस भोजपुरी में सबसे पहले जिन्होंने गाया तो क्या उनको एक मिनट उनको हिट होने का शौक नहीं है? अरे हो चाहे ना हो, नहीं गाइएगा। हम लोग को मतलब ना, जब गाना गाने के लिए जाते हैं हम लोग को डुएट गाने से मतलब होता है कि हम लोग का लाइनिंग क्या है बस। मुझे ये नहीं पता होता कि ये गाना हिट जाएगा, मुझे इस गाने को गाना चाहिए, ये गाना फ्लॉप जाएगा, नहीं गाना चाहिए। मन में आया गा दिए, मूड हुआ मतलब, गा दिए। मतलब कि इस इंडस्ट्री में लड़कियों की मजबूरी है गंदा गंदा गाना गाना। बिल्कुल सिंपल सी बात है। और पब्लिक अगर चाहे, क्योंकि अश्लील नहीं गाएगा, क्योंकि आपको पब्लिक जानती नहीं है, तो आप सिंगल प्रोजेक्ट करके अपना पैसा लॉस करेंगी नहीं। हम पैसा आज तक माँ कसम खा के कहते हैं जब से इस लाइन में है ना, लगाया ही नहीं है मैंने 1 रुपया, ठीक है, बस वही बात। और अगर सिंगरों के साथ डुएट करना है तो जैसा वो देंगे वैसा काम। ऐसी बात नहीं है कि सिंगर अगर डुएट करेंगे तो ही हम चल पाएंगे, हम ऑलरेडी जॉब करते हैं। अगर मैं ना भी ड्यूट गाऊं ना तो भी मैं चल सकती हूँ। तब फिर क्यों भोजपुरी में ऐसा करती हैं? अरे मेरा देखिए, जब चल सकती हैं तो करिए जॉब। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला, जब हम लोग इस लाइन में यार कौन आता तो किसको हिट होने का शौक नहीं होता है। हिट का मतलब पब्लिसिटी, अश्लीलता को लेकर क्या? मुझे लगा कि भाई फीमेल सिंगर है, इनको आप अश्लीलता को लेकर क्या है ना मैडम? मैंने शुरू में ही बोला कि मेरा अश्लीलता पे कोई बात विवाद नहीं है। तो मैटर क्या हुआ आपका?
आपके लाइन पे था, आपके लाइन पे गाना था कि ये क्या गाने का अर्थ है। अर्थ यही है कि पवन सिंह आपको मालूम है, आपको मालूम है तो मैंने गाने का अर्थ पूछा आपसे, मैंने अश्लीलता पूरे इंटरव्यू में मैंने अश्लीलता का एक नाम नहीं लिया है। लेकिन आपने नहीं लिया ना। आपको मालूम है, आपको मालूम चल गया कि ये गाना अश्लील है या अश्लीलता पे ही बात कर रही है। तो जितने भी व्यूअर्स हैं अच्छे अच्छे गाने गाए हैं मैडम, आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है, पब्लिकों से बस इतना ही रिक्वेस्ट है भैया, अगर गंदा गाना होता तो तू सुन में मत करा ना, सुन में तो मिलियन व्यूअर्स नहीं जाएगा ना ही। देखिए अगर व्यूअर्स नहीं जाएगा, सपोज दैट आप दो मिनट शांति से बात सुनिएगा, अगर व्यूअर्स नहीं जाएगा क्या भैया आप गाना लेना मेरा पसंद करेंगे? नहीं लेना पसंद करेंगे। जब वो कंपनी वाले होकर के मेरा गाना नहीं ले सकते हैं, मेरा असली लगा रही यार मार्केट असली नहीं चल रहा, तने थोड़ा अच्छा गाओ तो हम अच्छा गाएंगे। अगर बढ़िया बजी नहीं, खुदे क्या कह रहे हैं हटाओ ये बजी नहीं रहा है तो इसको लेके क्या करेंगे, ना उनके पास उतना समय है मैडम ना मेरे पास उतना समय है। जी बात बिल्कुल सही है, मानूंगी इस बात को, क्योंकि पब्लिक है जो अश्लील गाने को बढ़ावा देती है, और पब्लिक उसी पब्लिक में से कुछ ऐसे भी हैं जो अश्लील गाने सुनना पसंद नहीं करते। तो रिक्वेस्ट है जो आप लोग सुनते हैं अच्छे गाने को भी प्यार दीजिए, ताकि जो कलाकार हैं नए कलाकार हैं वो अच्छे गाने की तरफ प्रोत्साहित हो। 99% लोगों को चाहिए ऑर्केस्ट्रा में, ऑर्केस्ट्रा में मैडम आप भक्ति नहीं बजा सकती हैं, आपको मेरा बात दो मिनट के लिए बुरा लगेगा मालूम है ठीक है, लेकिन आप वही बजाएंगी तार गोहिर ढोणी में बियर डार दी काज व ढील दो ढोणी जानी छील दो देवरा ढोणी चटना, आप ऑर्केस्ट्रा में यही बजाना पसंद करें।